हेलो गाइस, आई एम नीतू कोलिया और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोलिया अकेडमी में। सो गाइस, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक नया नेल आर्ट जो कि मार्बल इफेक्ट है, नेल आर्ट है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग नेल आर्ट है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट यूज़ होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और पूरी डिटेलिंग बताएंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग को लेके कोई भी इंक्वायरी है आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका कॉल पिक नहीं किया जाता है तो हम व्हाट्सएप पे आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर देंगे। एंड साथ साथ गाइज, एक और चीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बनाई है स्पेशली आपके लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया ट्यूटोरियल। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट के नेल जो है काफ़ी अच्छे ब्रॉड नेल्स हैं और कर्व नेल्स हैं, तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही अच्छी होती है नेचुरल नेल की, पर इससे ज़्यादा जब ये लॉन्ग होते हैं तो ये टूटने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम जो है एक्सटेंशन कर रहे हैं, क्योंकि मैम को हमारे ज़्यादा लेंथ चाहिए और थोड़ा और फिनिशिंग के साथ नेल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा नेल जो होता है हमारा फ्री एज एरिया का, इसे नेल कटर की हेल्प से इस तरीके से कट करेंगे। और कट करने के बाद जो है हम इसे जो स्माइल लाइन होती है हमारी, आप देख सकते हैं वो पूरी उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसकी जो स्माइल लाइन है हम उसे जो है नीट करेंगे हमारे एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से। बट उससे पहले हमने क्यूटिकल एरिया को पुशर की हेल्प से इस तरीके से पुश करना है अच्छे से, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो नेचुरल नेल बेड है वो बड़ा मिल सके। क्यूटिकल एरिया को पुश करने के बाद अब हम जो नेचुरल नेल को कट किया था इसके फ्री एज एरिया को एम्ब्री बोर्ड से इस तरीके से नीट करेंगे, ताकि हमारी जो टिप्स हैं वो प्रॉपरली लॉक हो पाए और ये बिल्कुल भी शार्पनेस ना रहे। सो पुश करने के बाद, फ्री एज एरिया नीट करने के बाद, अब बारी है पूरे के पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ करने की। तो पूरे के पूरे नेल को हम अच्छे से ब्लॉब ऑफ करेंगे, बट मेक श्योर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड ब्लॉब ऑफर होता है, तो आप नेचुरल नेल में बहुत ज़्यादा आपने नहीं चलाना है, ताकि वो जो नेल है वो सेंसिटिव ना हो जाए। सिर्फ इतना ही चलाना है कि आपके जो नेचुरल नेल की जो शाइन है सिर्फ वही हमें रिमूव करिए। आप ब्लॉकिंग एरिया पर हम जो है ग्लू अप्लाई करेंगे, हमारी प्रोफेशनल नेल ग्लू ही यूज़ करनी है आपने इसमें। और इसके अलावा अगर आप एल्फी वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। एंड जो नेल हमने लगाया था उसके ऊपर ग्लू के हेल्प से हम नेचुरल नेल के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे। तो ड्राई सरफेस है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये जो है चिपक चुका है। अब हम लेंथ को कट करेंगे हमारे टिप क्लिपर की हेल्प से इस तरीके से। तो जितनी भी हमें हमारे क्लाइंट को लेंथ देनी है उसे थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, क्योंकि कुछ हद तक जो हम फाइलिंग करते टाइम और हमारी जो शेप करते टाइम जो है फाइलिंग से हमारी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो मेक श्योर आप एक्स्ट्रा ही कट करें, क्योंकि बड़ी लेंथ का इलाज है, छोटी का नहीं है, नहीं तो आपको टिप चेंज करनी पड़ेगी। अब हम ब्लेंडिंग लाइन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से इस तरीके से साइड्स नीट करके एम्ब्री बोर्ड चलाएंगे, अपनी साइड्स नीट करेंगे, ब्लेंड करेंगे हमारी टिप को, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा उठ जाता है हमारे नेचुरल नेल बेड से। और अब हम शेप क्रिएट करेंगे हमारे एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से ही। तो जैसे कि आज हमने कॉफिन शेप बनाई है, तो शेप, ब्लेंडिंग लाइन एंड हमारा पूरा साइड्स नीट करने के बाद अब मैं करने जा रही हूँ पूरे नेल को ब्लॉब ऑफर्स की हेल्प से अच्छे से ब्लॉब ऑफ। तो हम टिप के एरिया को और नेचुरल नेल के एरिया को यहाँ पर ब्लॉब ऑफ करके पूरी की पूरी शाइनिंग रिमूव करेंगे, पूरे नेल को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर गाइस, पूरे के पूरे नेल को ड्राई करने का सिर्फ एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि एक तो नेचुरल नेल में हमारे बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, और दूसरा हमारी जो टिप होती है वो शाइनी होती है, जिसके ऊपर कभी भी कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपका सरफेस ड्राई रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट स्टे करेगा। और इसे और एक्सट्रीम लेवल पर पीएच लेवल डाउन करने के लिए यहाँ पर मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, तो डिहाइड्रेटर भी बोलते हैं जिसे कि हम डिहाइड्रेटर अप्लाई करेंगे। और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ हमारी जेल की कोट, तो जेल के साथ में हम अपना बेस अप्लाई करेंगे। जेल और स्ट्रेंथनिंग पाउडर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, हार्ड जेल और साथ में स्ट्रेंथनिंग पाउडर, और साथ में हमारे ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं जो कोट हम अप्लाई कर रहे हैं कितनी पतली पतली करके अप्लाई कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पतली कोट अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो बिल्डर है वो इसके ऊपर स्टे करेगा। तो मेक श्योर बिल्कुल पतली पतली कोट करके सभी ने इस पर एक साथ अप्लाई करके हम इसे क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराना है अगर आपको तो LED अगर आपके पास है तो आपको 90 सेकेंड क्योर कराना है, और अगर आपके पास UV लैम्प है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड क्योर कराना है। सो क्योर कराने के बाद बेस को गाइज अब मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्डर। तो यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं
हार्ड जेल का यूज़ कर रही हूँ जो कि बेस लगाने के लिए मैंने यूज़ किया, विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर और हमारा जेल ब्रश। सिर्फ इन तीन प्रोडक्ट को हमें अप्लाई करना होता है पूरे नेल के ऊपर और इसे बिल्डर अप्लाई करने के बाद क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद गाइज अगेन मैं यहाँ पर सेकेंड बिल्डर ऑफ जेल दे रही हूँ, तो अगेन यहाँ पर मैं सेम जेल और विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ और ब्रश के साथ इसे इक्वली पूरे नेल के ऊपर आप देख सकते हैं। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इसे डीपली और स्लोली दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हमारा जो बिल्डर है वो हमें एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। आपने इसे ब्लेंडिंग लाइन के ऊपर रखना होता है और डैप टैप करके आपने धीरे से इसे क्यूटिकल एरिया की तरफ, धीरे से साइड वॉल्स की तरफ लेकर जाकर और पूरे फ्री एज एरिया पे फैला देंगे और इसे क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद गाइज अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हमारी जेल वाइप के साथ लिंट के साथ क्लीन पूरे के पूरे नेल को। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो होता है एसीटोन फ्री। मेक श्योर कि यहाँ पे आप हमेशा एसीटोन फ्री का ही यूज़ करें वरना आपका नेचुरल नेल जो है काफ़ी वीक हो जाता है। तो और अब मैं करूँगी बफिंग, तो पूरे के पूरे नेल की हम बफिंग करेंगे हमारे एमरी बोर्ड के साथ में। तो जैसे कि हमारा जो जेल है वो फ्लेक्सिबल है, उसने काफ़ी ज़्यादा डंट्स एंड बम्स क्रिएट किए हैं, पूरा सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, तो एमरी बोर्ड से बफिंग करने का एक ये भी रीज़न होता है कि सरफेस पूरा स्मूथ हो जाता है, अपेक्स क्रिएट हो जाता है, हमारी शेप नीट हो जाती है, क्यूटिकल एरिया नीट हो जाता है और हम साइड वॉल्स भी इससे जो है नीट कर लेते हैं ताकि जो नेल है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के आ सके। एंड गाइस अगर आप भी हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। अगर आपका कॉल पिक नहीं होता है तो हम जल्दी ही आपको रिप्लाई कर देंगे। हमारे पास नेल्स, आई लैशेज, माइक्रो ब्लेडिंग आईब्रोज, हेयर एक्सटेंशन, परमानेंट लिप कलर, हाइड्रा फेशियल, बीबी ग्लो, सभी तरीके के फेशियल की क्लासेस जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी जो लोकेटेड है वो है न्यू दिल्ली में, रोहिणी में, सेक्टर 7 में। सो पूरे नेल की बफिंग करने के बाद अब मैं एक बार और क्यूटिकल पुशर की हेल्प से जो है क्यूटिकल्स को पुश कर रही हूँ ताकि हमारी जो इसके ऊपर वर्क हमने करना है वो और ज़्यादा नीट हो सके। और यहाँ पर अगर कुछ भी डंट्स रह जाता है क्यूटिकल एरिया में या बम्प रह जाता है तो वो ब्लो बफर से भी एकदम नीट हो जाता है और वो नेचुरल नेल के अंदर अच्छे से मर्ज हो जाता है। तो अब मैं पूरे के पूरे नेल को ब्लो बफ कर रही हूँ अच्छे से। हम ब्लो बफ करेंगे जितना आप, यहाँ पर हार्ड ब्लो बफर ही यूज़ करना है, सॉफ्ट ब्लो बफर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप जितना अच्छे से ब्लो बफ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सरफेस जो है स्मूथ मिलेगा, आपको साइड वॉल्स नीट मिलेंगी। और इसके बाद अब बारी है हमारे कलर एप्लीकेशन की। तो जो हमारे डिज़ाइन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम जो अपना सबसे पहले ये सिल्वर कलर अप्लाई करेंगे, ये ग्लिटर वाला कलर है और ये ट्रांसलूसेंट कलर है गाइस, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन की डिमांड है हमें ये ट्रांसलूसेंट सिल्वर ग्लिटर ही लेना है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे फॉइल की लुक आती है। तो जैसे कि हमारे तीन नेल्स में हमने ये ग्लिटर देना है बेस में, फर्स्ट कोट बिल्कुल पतली पतली करके अप्लाई करेंगे और बाकी जो दो नेल हैं हमारे उन पर हमें जैसे कि मार्बल का वर्क करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ रहती है मार्बल के लिए, बहुत इजी प्रोडक्ट रहता है जो इसमें आपका जो कलर का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखता है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल पतली पतली कोट करके हमारे ब्लॉसम जेल की, जिसे कि हम ब्लूमिंग जेल भी बोलते हैं। तो बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई करेंगे इसे। सो दोनों नेल पे हमने ब्लॉसम जेल लगा लिया और अब जो है मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्रे कलर और ब्लैक कलर मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया है जेल पॉलिश का। तो मैं अपने ब्रश आर्ट वाले ब्रश के साथ में इस तरीके से ग्रे कलर के रिफ्लेक्शन दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट वेव्स बनाई हैं और ये अपने आप ही स्प्रेड होकर जो है कलर, इसका जो ब्लॉसम जेल का बेसिकली वर्क होता है इसके एजेस को स्प्रेड कर देना स्मूथली बिल्कुल, तो एक शार्प लाइन लुक नहीं रहती है जिससे कि ये जो फैल कर बहुत ही अच्छी लुक आती है। इसे हम क्योर करा देंगे अब। एंड इसे क्योर कराने के बाद गाइज अगेन ब्लॉसम जेल अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कोट हमारी क्योर हो चुकी है और जो कलर था हमारा ग्रे वाला वो स्प्रेड हो चुका है अच्छे से। और मैं दोबारा से लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है तीन कलर का रिफ्लेक्शन देना है, तीन कलर्स आएंगे इसमें गाइज और साथ में हमारा ग्लिटर का भी लुक आएगा। तो मेक श्योर आपका जो बेस जितना ज़्यादा क्लियर रहेगा, वन वन कलर करके आप अप्लाई करिए, उतना ही ज़्यादा इसका रिफ्लेक्शन जो है हमें अच्छा मिलेगा। तो अब मैं ब्लैक के ऊपर जो है, जैसे कि ग्रे के ऊपर हमने ब्लैक का यूज़ किया है, तो वहाँ वहाँ पर जहाँ जहाँ पर जगह बचे मुझे लग रहा है ऐसे कि ब्लैक का भी लुक आना चाहिए, तो वहाँ पर मैं ब्लैक को भी स्प्रेड कर रही हूँ। और आप ब्लैक को भी देख सकते हैं ये अप्लाई करते ही कितना जल्दी से स्प्रेड होता जा रहा है। तो हमारा जो ब्लॉसम जेल है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि हमारा फटाफट से जो है वो एक स्मजिंग लुक दे रहा है और उसे भी हमने क्योर करा दिया। क्योर कराने के बाद अगेन मैं यहाँ पर जो है ब्लॉसम जेल अप्लाई कर रही हूँ
और अब इसके ऊपर जो है हम एक और कलर की लुक देंगे। तो जैसे कि हम मैंने आपको बताया हम चार कलर यूज़ करने वाले, तो मैं वाइट का रिफ्लेक्शन दे रही हूँ अगेन, ताकि हमारा बेस भी ट्रांसलूसेंट रहे, ग्रे का रिफ्लेक्शन भी आए, ब्लैक का भी, और साथ में वाइट भी। तो इस तरीके से वाइट की भी आप लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है, बिकॉज इसके बाद जो हमने इसमें ग्लिटर का भी रिफ्लेक्शन देना है। तो मेक श्योर कि आपका जो वाइट है वो भी अच्छे से स्प्रेड हो जाए, ऐसा ना लगे वो एक शार्प लुक में आया। इसीलिए हमने जो है हर कोट के पहले जो है ब्लॉसम जेल लगाया। तो इसे भी क्योर कराने के बाद अब बारी है ग्लिटर एप्लीकेशन की। तो सारे नेल्स के ऊपर हम जो है एक ही साथ ग्लिटर दे देंगे। तो जैसे कि हमारी तीन फिंगर के ऊपर जो है हमने कलर एप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट कोट हमने पहले ही लगा दी थी और अब मैं सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सेकंड कोट में ये इसकी जो क्लैरिटी है वो कितनी अच्छी आ रही है। और इसके बाद भी हमें जो है इसके ऊपर बिकॉज सिल्वर का वर्क करना है। तो अब जो है तीनों नेल पे हमारा ग्लिटर अप्लाई करने के बाद हम जो मार्बल इफेक्ट है यहाँ पर भी इस तरीके से हल्का हल्का ग्लिटर का रिफ्लेक्शन दे देंगे, जहाँ पर हमारा ग्रे कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर और साथ में ग्लिटर चारों चीज़ें अवेलेबल होकर दिख रही हैं। और आप देख रहे हैं इसका जो फाइनल लुक है वो कितना अच्छा आ रहा है। तो विदाउट ग्लिटर ये ऐसे लग रहा था जैसे कि ये अधूरा है, तो अब ये काफ़ी कंप्लीट लग रहा है। और दोनों के दोनों फिंगर्स के साथ इसका जो कनेक्शन बन के आ रहा है वो भी बहुत ही अच्छा बन के आ रहा है। तो इसका जो लुक है आप देख सकते हैं फुल एंड फाइनल अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी हमने इसमें स्प्रे वाला ग्लिटर भी अप्लाई करना है जिसे क्योर कराने के बाद, बिकॉज जिससे कि हमारा जो ग्लिटर का कलर है वो ट्रांसलूसेंट रहा है पहला वाला। तो यहाँ पर मैं हल्का सा एक रेनबो के रिफ्लेक्शन का मेरे पास सिल्वर गोल्डनिश लुक में जो है ग्लिटर की जेल पॉलिश है। तो ये मैं बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसके जो रिफ्लेक्शन है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उसका जो रेनबो का इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा इसके ऊपर और अच्छे से एनहांस होके आ रहा है। तो इसे भी अब हम जो है क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद गाइस मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर भी जो मार्बल वाले नेल्स हैं उनके ऊपर भी मैं ये रिफ्लेक्शन दे रही हूँ, ताकि हमारा जो मैचिंग का डिज़ाइनिंग है वो एकदम सेम बन के आ सके। बट मेक श्योर कि इतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि वो ऐसे लगे कि आपने एक शार्प लुक लाइन दे दी है। तो इसे भी अब हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद अब बारी है सभी नेल्स के ऊपर यूवी टोपकोट अप्लाई करने की। तो जैसे कि इंडेक्स फिंगर के ऊपर और रिंग फिंगर के ऊपर हमें ग्लॉसी लुक चाहिए, तो वहाँ पर हम जो है ये यूवी टोपकोट लगा देंगे हमारी हाई शाइन की। और जो मिडिल फिंगर और पिंकी फिंगर और थंब है वहाँ पर हमें स्प्रेड ग्लिटर चाहिए, मींस ड्राई ग्लिटर चाहिए। तो वहाँ का जो स्टेप है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सो गाइस जैसे कि जो पिक्चर हमें हमारे क्लाइंट ने दिखाई थी, उन्हें बेस में तो चाहिए ही था ये ग्लिटर। अब मैंने बाकी नेल्स पे भी यूवी टोपकोट लगा दी है, और यूवी टोपकोट लगाने के बाद जैसे कि ग्लिटर वाली के ऊपर भी हमने यूवी टोपकोट लगा दी थी। और यहाँ पर मैं जो है ड्राई ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ सिल्वर कलर का, ताकि इनके ये अप्लाई तो हो जाए और इसे यूवी टोपकोट के साथ हम जो है बिकॉज अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली अपना वर्क भी करेगा, सील भी हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर ये हैंड वॉश में या किसी भी चीज़ में निकलता है, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हमारे बेस में भी जो है ग्लिटर का रिफ्लेक्शन हमने दिया है, ताकि वो अगर रिमूव भी होगा तो भी हमारे क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारा जो प्रोडक्ट है और जो हमारे नेल आर्ट की लुक है वो पूरे एक महीने तक एज इट इज़ रहेगी। और ड्राई ग्लिटर को अप्लाई करते हैं आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये चारों तरफ से अच्छे से अप्लाई हो जाए। सो इसे अब हम क्योर करा देंगे, एंड इसे क्योर हम कराएंगे एटलीस्ट 120 सेकेंड। क्योर कराने के बाद ये है हमारे नेल्स की फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज अगर आप न्यू व्यूवर हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।